नमस्कार, मैं हूं महेश बोगणा और अपनी सहयोगी एंकर योगेंद्र बाजपे के साथ महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के माथेरान पर्यटक स्थल का मैं आज दौरा कर रहा हूं। और जब मैं वहां पर पहुंचता हूं, बिल्कुल मैं पर्यटक स्थल के नज़दीक पहुंच चुका हूं, मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। और देखे मेरे आज जियो ग्राउंड की कवरेज, कुछ घोड़े वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। और ज़रा पूछ के देख तो 2 तारीख से यहाँ पर अनलॉक कर दिया गया है और पर्यटक बढ़ गए हैं। ये ऐसी जगह है, वीकेंड की मैं यदि बात करूं तो बहुत क्राउड यहां पर रहता है। फिल्म स्टार से लेकर के क्रिकेटर्स, तमाम राजनेता यहां पर विजिट करते हैं। पूछ के देखता हूं, कई महीनों तक यहां पर बंद रहा है, क्या वास्तविक जो रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं, क्या इनको काम मिल गया है, कितनी भीड़ भड़ाक है, जरा पूछ के देखते। क्या नाम है साहब आपका? गणेश सिंगाड़े। कहाँ के रहने वाले आप? इधर माथेरान। अच्छा, चालू हो गया कब से? 2 तारीख से चालू हो गया है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या आप जो पर्यटक लोग हैं आने चालू हो गए क्या? पर्यटक लोग अभी तक नहीं आ रहे हैं यहाँ इधर, लेकिन 7 महीने तक लॉकडाउन था, वो हमारा इधर परिस्थिति बहुत गंभीर था। जो इधर हमारे जो घोड़े वाले लोग था, वो इधर गाड़ी का जो डबर है ना, वो खींच रहा था। तो चलिए, आजकल अब खुल गया है क्या? अभी काम कुछ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, इतना भी नहीं मिल रहा है, नॉर्मली मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। एक और मिलती है मुझे यहाँ पर, क्या नाम है जी आपका? नागेश जी। नागेश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या आप इतने दिन तक? अरे देखिए, ये स्टिक है, ये लेदर का लगा हुआ है, बताया जा रहा है इससे ये घोड़े को हाँकते हैं, घोड़े को हाँकने का काम करते हैं, हाँकने के लिए काम करते हैं। और जब मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे घोड़े वाले मुझे नजर आ रहे हैं। लगभग कितने लोग हैं आप यहाँ पर? 460। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं जी? ये देखिए, सरकार को टैक्स देते हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं शायद इनके चेहरे पे अब रौनक आ गई है, चालू हो गई है माथेरान में, लोगों को आना जाना चालू हो गया। मेरी सहयोगी योगेंद्र बाजपे के साथ महाराष्ट्र के माथेरान पर्यटक स्थल से मेरी खास कवरेज। जय हिंद।